तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये 1080p 60fps में नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो अभी जो है ना एडिटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। और आप लोगों को मैं अभी साइड बाय साइड भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये साइड बाय साइड कैसी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा कि एक लो क्वालिटी की वीडियो की जो है ना कैसे क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कैपकट के अंदर। और एक और एप्लीकेशन है वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा वो कौन सा है। तो इसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे बंदों के पास लो एंड डिवाइस होती है, तो उसमें जो है ना सिर्फ स्मूथ, अल्ट्रा स्मूथ, हाई तक गेम चलती है या स्मूथ एक्सट्रीम तक। HDR सपोर्ट नहीं, अगर HDR सपोर्ट करती है तो HDR को तो जो है ना एडिटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू में देख सकते हैं ये स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में चल रहा है। अगर आप इसकी क्वालिटी को HDR में कर लेते हैं तो इसको एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको HDR कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HDR में जो है ना इसको एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसकी क्वालिटी वैसे ही इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं आप लोगों को आज वही सिखाऊंगा कि आप लो क्वालिटी वीडियो को कैसे जो है ना इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वीडियो है इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है ना आपने डिलीट कर देना है बाकी पार्ट को। तो ये मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है, सॉरी वीडियो पर नहीं, यहाँ ये ब्लैंक जगह पर जो है ना आपने क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने एडजस्ट में आ जाना है, सॉरी एडजस्ट में आ जाना है। एडजस्ट में आने के बाद इसकी शार्पनेस को जो है ना इंक्रीज कर देना है, प्लस 55 तक रख देना है। फिर उसके बाद जो है ना HSL में आ जाना है, HSL में इस ग्रीन वाले कलर को इंक्रीज कर देना है और इसको जो है ना थोड़ा कम कर देना है कुछ इस तरह से -45। फिर उसके बाद जो है ना इसको ओके कर देना है। ग्राफिक्स में आ जाना है, सॉरी ग्राफ्स में इसको इंक्रीज कर देना है और इसको थोड़ा डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से। फिर इसको जो है ना डन कर देना है, सॉरी इसको जो है ना यहाँ से डन कर देना है, ओके कर देना है। तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। फिर अगेन आपने एडजस्ट पर क्लिक कर देना है और सॉरी इसको बैक आ जाना है, एडजस्ट पर अगेन क्लिक कर देना है। फिर इसकी सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, इसकी ब्राइटनेस को जो है ना थोड़ा कम कर देना है, -13 रख देता हूँ, सॉरी ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, -10 रख देता हूँ। फिर उसके जो है ना एक्सपोजर को इंक्रीज कर देना है, +7। और उसके बाद जो है ना HSL में आ जाना है और ग्रीन को फिर से जो है ना इसको इंक्रीज़ कर देना है +50 तक, और इसको जो है ना थोड़ा डिक्रीज कर देना है -30 तक। तो ये जो है ना हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। फिर उसके बाद जो है ना इसको जो है ना सेव कर देना है हाई क्वालिटी और 60fps में। 1080p में कर देना है, 4K में नहीं कर देना क्योंकि वो एप्लीकेशन 4K को सपोर्ट नहीं करता। फिर इसको जो है ना सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है ना आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। विंक नाम से आपको एक एप्लीकेशन है, तो इसको जो है ना आपने डाउनलोड कर देना है, इसको ओपन कर देना है। ये एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, दोनों पे अवेलेबल है। फिर इमेज क्वालिटी पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद अल्ट्रा HD को सिलेक्ट करके ट्राई नाउ पर क्लिक कर देना है। ट्राई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये इंटरनेट से जो है ना चलती है ये एप्लीकेशन, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। फिर अपनी वीडियो को जो अभी मैंने सेव की इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ और फिर उसके जो है ना बाद यहाँ पर रिपेयरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है ना आपने सिंपली यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो जो है ना गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये छोटी सी ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को इसलिए लाया था ताकि आप, बहुत सारे बंदों के कैप कट के कलर ग्रेडिंग के वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इसकी क्वालिटी के इंक्रीज का भी कोई वीडियो कैपकट के अंदर लाओ। तो कैपकट के अंदर क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन मेन जो एप्लीकेशन है, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं चलती कोई मसला नहीं, आप कैपकट की वो वाली ट्रिक भी यूज़ करके इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली भी अप्लाई कर ले तो आपकी वीडियो में थोड़ा जो है ना जान आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इन्हें काफ़ी पसंद आए हुए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।